हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया सो डोंट बी कंफ्यूज और अगर हम बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट के रिलेटेड बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आग आज की डेट में आए गए हैं और अगर बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट भी उसमें इंक्लूड है तो आइए एक एक करके वीडियो को देखते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बड़े आपसे कहते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे

का रिजल्ट है ये Q3 के और ये Q4 के लास्ट ईयर के इन लैक्स में यहां पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो पांच लाख का यहाँ पर इनकम हुआ है इससे पहले चार था इससे पहले पांच सौ तो ईयरली क्वार्टरली वाइज इनकम में जंप है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली वाइज कम होता है ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है बट ईयरली वाइज कम होता है वो दिखाई दे रहा है जो कि अच्छी बात है थ्री नाइनटी टू इन रुपीज का एक्सपेंस इस बार का है थ्री पहले था फोर इससे पहले था और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो एक सौ तेरह लैक्सिन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले अगर बात करें तो ट्वेल्व लैक्स इन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट

तीन हजार तीन सौ छह मिलियन रूपीज से पहले तीन हजार पहले तीन हजार चार सौ बाईस तो ईयरली वाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी जंप है टोटल एक्सपेंस की बात करें दो हजार चार सौ सत्तासी इससे पहले इक्कीसो चौसौ इससे पहले दो हजार तीन सौ अट्ठासी तो ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ा है क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों टाइम में अगर बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो सिक्स सिक्सटी सिक्स मिलियन रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले फोर वन सिक्स तो ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है

यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का ये पार्ट बन सकता है तो इसके लिए यहाँ पर ये यह शेयर आज की डेट में गिरता नहीं दिखा और वहां पर सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से रेवेन्यू हुआ है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की ये मलु पेपर मिल्स लिमिटेड यहाँ पर एक यह कंपनी है ईपीएस आप इन सब का चेक कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है बात करें टोटल इनकम की छह हजार पांच सौ पांच इनलैक्सौ सौ साठ लैक्स का यहाँ पर इनकम थी इससे पहले एक्सपेंस की बात करें तो छह इससे पहले छह सॉरी चार हजार पांच सौ सत्तानवे इससे पहले छह हजार चौहत्तर तो ईयरली क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आया है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द

So, इसके लिए सॉरी इन लैक्स में यहाँ पर इसके रिजल्ट है और हम यहाँ पर देखते हैं तो टोटल रिवेन्यू इस यहाँ पर में लाख माइनस में इससे पहले टू थर्टी नाइन था इससे पहले एक सौ तीन

इंटेक कैपिटल लिमिटेड यहाँ पर है उसके रेवेन्यू तो घटते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपेंस कुछ कम होते हुए नजर आ रहे हैं मतलब माइनस में इस वजह से पर प्रॉफिट में कंपनी दिखाई दे रही है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर और कंपनी की तो हारिया एक्सपोर्ट लिमिटेड यहाँ पर एक कंपनी का नाम है यहाँ पर बात करें इन इंडेक्स में रिजल्ट है इनकम की बात करें चौवन लाख का इनकम है इससे पहले बाईस लाख इससे पहले बाईस लाख इकहत्तर हजार ईयरली वाइज यहाँ पर क्वार्टरली वाइज जंप है इनकम में एक्सपेंस की बात करते हैं तो तीन लाख का एक्सपेंस बढ़े इससे पहले एक लाख सतासी हजार पहले एक लाख सतासी हजार तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली वाइज क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर देखिए उनचास लाख का प्रॉफिट है इससे पहले बीस लाख का इससे पहले बीस लाख तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर दिखाया है तो इस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस बयालीस पैसे का है इससे पहले अठारह अठारह तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो कल की डेट में शायद

वैसे वाइज यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में है जो कि ईपीएस में भी आपको दिखाई देगा तो इस चीज को आप देख सकते हैं तो इसके अलावा बात करें जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड यहाँ पर इसने आई थिंक डिविडेंड दिया है एक रुपए का यहाँ पर शायद डिविडेंड दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी अगर इसके रिजल्ट पड़ते हैं थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे एक मिनट यहाँ पर इसके ये रिजल्ट है जीपीटी कंपनी का नाम है इनलेक्स में और अगर बात करते हैं यहां पर टोटल रेवेन्यू की तो बीस हजार सात सौ चालीस से पहले सोलह हजार इससे पहले अठारह हजार क्वार्टली रिवेन्यू वाइज रेवेन्यू में जंप है एक्सपेंस की बात करें क्वार्टरली ईयरली वाइज एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इससे पहले उन्नीस हजार तीन सौ सत्तानवे है इससे पहले पंद्रह हजार चार सौ एक इससे पहले सत्रह हजार चार सौ पच्चीस तो ईयरली क्वार्टरली वाइज टोटल एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर देखिए नौ नौ सौ अट्ठाइस लैक्स इन रुपीज इससे पहले छह सौ सत्तर इससे पहले पाँच सौ उनतालीस तो यहाँ पर ईयरली अगर बात करें ई पी एस की तो तीन आ, यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली वाइज अगर बात करते हैं प्रॉफिट की तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है जो कि ईपीएस में भी झलकेगा दो रुपए तीन रुपए उन्नीस पैसे का ईपीएस इससे पहले दो लाख दो रुपए तीस पैसे इससे पहले एक रुपए पिचासी पैसे का ईपीएस तो ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है बात करते हैं यहाँ पर और भी कंपनी की तो यहाँ पर गोकुल रिफॉइस एंड सॉल्वेंट यहाँ पर एक कंपनी है इसके रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर इसके रिजल्ट भी इन लैक्स में है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है तो टोटल रिवेन्यू की बात करें तो एक लाख एक हजार सात का यहाँ पर इनकम रिवेन्यू है इससे पहले एक इससे पहले सोलह तो ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट ट है बट क्वार्टरली वाइज यहां पर जंप है यहां पर रेवेन्यू में एक्सपेंस uh, की बात करें तो आठ सौ इससे पहले बन इससे पहले आठ तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बट बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक सौ आठ रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले सत्तावन लाख इससे पहले पाँच तो ईयरली वाइज यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट है बट क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पर इस कंपनी को देख सकते हैं इसमें शायद यहाँ पर कोविड का इंपैक्ट हो सकता है अगर बात करें डी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ये छोटी सी कंपनी है शायद ये पैनी स्टॉक है दो चार रुपए का स्टॉक है तो यहाँ पर इसे इसके रिजल्ट थोड़े से अच्छे पे आई थिंक इस वजह से यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें इन में तो यहाँ पर बाइक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं देता हूँ आप डिलीजेंस के हिसाब से ही देखिए बाकी यहाँ पर रिजल्ट सिंपली आपको बता रहा हूँ ताकि इन शॉर्ट में हम रिजल्ट के बारे में भी देख सके टोटल इनकम देखे इस बार की नौ नौ का यहाँ पर टोटल इनकम है इससे पहले आठ लाख सोलह हजार इससे पहले सात लाख छिहत्तर हजार जम्प है ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी क्वार्टरली ईयरली वाइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नौ सौ एक सात सौ सॉरी नौ लाख इससे पहले सात लाख इससे पहले सात लाख उनतालीस तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी ग्यारह लाख के प्रॉफिट में सॉरी ग्यारह हजार के प्रॉफिट में इससे पहले बीस हजार पहले बारह हजार तो ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी का यहां पर अगर बात करें प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आ रहा है बट पॉजिटिव भी कंपनियां पर अगर हम बात करें इसके अलावा और भी कुछ चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं तो टोटल इनकम यहाँ पर पांच हजार दो सौ तेईस ये जो कंपनी है कंफर्ट इन लिमिटेड तो पर टोटल इनकम की बात करें दो सौ तेईस है इनकम थी तो मतलब ईयरली क्वार्टरली ने अच्छा खासा परफॉर्म किया एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रही है इयली क्वार्टरली देखते हैं तो पांच सौ पांच हजार दो सौ छियालीस पहले चार हजार क्वार्टरली से पहले एक हजार आठ सौ तेरह तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंसिव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी का जो एक, एक बार देख लेते हैं आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड तो कंपनी यहाँ पर लॉस में आ गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लॉस है तो यहाँ पर देख लीजिए चालीस लाख का यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है इससे पहले 16 लाख के प्रॉफिट में थी इससे पहले एक दो के माइनस में यहाँ पर रिजल्ट आ रहे है। तो पर रही है तो यहाँ पर इस कंपनी से दूर रहिएगा इसके अलावा बात करते हैं और भी यहाँ पर भारत डायनामिक लिमिटेड आपको पता ही है डिफेंस स्टॉक है यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है और काफी अच्छा स्टॉक देख अच्छा स्टॉक है पैसठ पैसे का यहाँ पर ईपीएस देती हुई कंपनी सॉ so, डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है अगर बात करते हैं इन में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो एक लाख सोलह हजार दो सौ आठ लैक्स इन रुपीज का यहाँ पर इस बार का इनकम है इससे पहले तीन सौ पहले एक लग, तो ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट है टोटल इनकम में बट अब बात करें क्वार्टरली वाइज पर जंप नजर आ रही है टोटल इनकम में एक्सपेंस की बात करते हैं तो बयासी का यहाँ पर एक्सपेंस है बयासी हजार लैक्स इन रुपीज की बात कर रहा हूँ इससे पहले बयालीस था इससे कर ले एक लाख छः हज़ार तो एक्सपेंस यहाँ पर कॉल्ड इयरली वाइज गिरावट है बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस में काफ़ी जंप नजर आ रही है बट बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देख लीजिए छब्बीस हज़ार छत्तीस लैक्स इन रुपीस का प्रॉफिट है इससे पहले चार था इससे पहले तीस तो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर यहाँ पर

देख लीजिएगा और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके रिजल्ट्स की तो इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है स्टैंड ऑन और कंसोलिडेट यहां पर आप देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर सात सौ साठ का यहाँ पर रेवेन्य ग्यारह इससे पहले एक हजार एक, 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 एक पैंतीस तो ईयरली क्वार्टरली क्वार्टरलीसपेंस बढ़ घटते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपेंस सॉरी रिवेन्यू घटते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है सात है इससे पहले एक हजार पहले एक अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देख सकते हैं स लाख का प्रॉफिट है इससे पहले आठ लाख का इससे पहले एक मतलब एक करोड़ छिहत्तर लाख का यहाँ पर घाटा था ईयरली क्वार्टरली वाइज पर कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है तो इस कंपनी की तरफ इस वजह से ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर प्रॉफिट क्यों आए जस्ट बिकॉज यहाँ पर इनके एक्सपेंस कम होते हुए नजर आए इस वजह से यहां पर प्रॉफिट कंपनी ने ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया और क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म किया तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी कंसोलिडेशन कंसोलिडेट रिजल्ट भी इनके सेम ही है तो यहां पर अगर बात करें एक दो कंपनी को छोड़ के सभी कंपनियों के यहाँ पर रिजल्ट अच्छा इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं इनके आप स्टडी कर सकते हो स्टडी करने के बाद इन कंपनी में निवेश करना है कि नहीं अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं और हम भी एक एक करके इनके बारे में वीडियो के रिलेटेड बात करेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर करिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस